So, बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रजत गवार के बारे में। हाँ, गवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूला है कि देखो मैं हूँ गवार बंदा और मेरा चलता है हाथ। तो भाई संभाल करके रहना वरना मैं भूत बना दूंगा। पिछले दो दिनों से बिग बॉस का एपिसोड देख रहा हूँ, उसमें ये नोटिस कर रहा हूँ भीड़ तो बहुत सारे लोगों की है लेकिन दिखाया उन्ही लोगों को जा रहा है जो बहुत ज्यादा हाइप में है, भले से वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उन्ही को दिखाया जा रहा है और रजत गवार को भी दिखाया जा रहा है। देखो इस बंदे ने क्या क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नए है बिग बॉस में और उनको नहीं पता है रजत दलाल क्या चीज है, तो ये भाई साहब अपने पुराने टाइम में जो है गाड़ी को उड़ा चुके थे और उसके बाद से कहते हैं ये मेरा रोज का काम है। तुम वैसे हो क्या शरीफ वाले लोग बहुत ज्यादा, मतलब ये बंदा खुद से कबूल रहा है कि ये बंदा क्रिमिनल है, ये बंदा वो सारी हरकतें करता है जो कि एक अच्छे लोग नहीं करना चाहेंगे और लॉ को तोड़ने में इनको मजा आता है। मजे की बात यह है कि इस भाई साहब को कुछ भी उल्टा सुनना पसंद नहीं है और अगर इसके साथ में किसी ने उल्टा कुछ किया तो ये अपना दिमाग नहीं सिर्फ हाथ चलाएंगे। इसके वजह से बिग बॉस में तो टीआरपी बहुत अच्छी आ सकती है और यही रीजन है जिसकी वजह से इनको बुलाया गया है। बात अगर बग्गा से लड़ने की है तो वो भाई साहब के शक्ल पे लिखा हुआ कि वो कितना बड़ा चोमू है, उसको एक पावर दिया गया, उस पावर को लेकर के वो ऐसे उछल रहा था जैसे कि बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप है और उस बंदे को जाकर के कहता है मार करके भूत बना दूंगा, मेरे साथ उल्टा सीधा बकना मत, मिनट भी नहीं लगेंगे तुझे फाड़ने में। भाई ये बंदा सोचो किसके ऊपर में अपना रौब जमा रहा है। अभी ये धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे करणवीर मेहरा के तरफ में जो कि खतरों के खिलाड़ी से जीत करके आए हैं और उस भाई साहब को भी अगर देखा जाए एक तरह से अड़ियल इंसान है और इसके साथ में भिड़ेगा तो फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा ये रजत गवार कितना बड़ा गवार है और क्या क्या हो सकता है। बाय द वे बिग बॉस तो ये नहीं बोलेंगे कि एक दूसरे को फाड़ डालो लेकिन थोड़ा होने के बाद ही इंटर करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आ जाएंगे बचाने के लिए। रजत गवार का एक और दूसरा साइड भी दिखाता हूँ कि ये बंदा थोड़ा एंटरटेन भी करता है। इस तरह से श्रुति से जाकर के पूछता है कि तुम्हारा बच्चा कितने साल का है और बंदी पहुंच जाती है सीधा कॉलेज टाइम पे। बंदा धीरे धीरे सुनने के बाद कहता है मैं ना खिचड़ी लेकर के आता हूँ उसके वजह से आराम से सुनूंगा, बंदा कट लेता है। तो हाँ ये बंदा जो है थोड़ा एंटरटेनिंग भी है, इस वजह से कोई भाई इसको ये मत कह देना कि भाई बहुत जबरदस्त बंदा है, इसको तो भाई हम एडमायर करते हैं और ये मेरा हीरो है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा ये बंदा बाहर आके भी वही करेगा, लोकेशन लोकेशन खेलेगा और लोगों को पकड़ करके धोएगा। जिस बंदे ने बच्चे को अगवा किया, टॉयलेट साफ कराया, गोबर लगाया, उसके ऊपर में यूरिन किया, वो सारी चीज करने के बाद ये बंदा कहता है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना कर सकता हूँ, और बंदा कर चुका है, अरेस्ट हो चुका है, मतलब क्या क्या ना हुआ है। बाद में मैं सोचता रहता हूँ कि हरियाणा का नाम जब भी आता है तो एक तरफ में नाम आता है एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी और ये भाई साहब, वहीं पे दूसरी तरफ में नाम आता है ध्रुव राठी, मंगल मोहन, ये सारे लोग भी तो भाई वहीं से है, इनकी अंदर की वो सारी चीज क्यों नहीं आती बाहर जो लोग तुम लोग दिखा रहे होते हो और इस पर कह रहे होते हो हम जाट है, जाट भाई किस तरह के जाट हो। सो दैट्स इट, मुझे इस टॉपिक के ऊपर में इतना ही कहना था कि रजत गवार मतलब रजत दलाल कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसको बिग बॉस में देखने में आपको क्या मजा आने वाला है और हम लोग जिस वजह से बिग बॉस देख रहे होते हैं फुल ऑन कलेश, बस कलेश की तरह से लेना इसको, किसी भी तरह से सीरियस मत लेना क्योंकि यह बंदा जो है वो सारी चीजें सिखा रहा है जो कि किसी को भी किसी भी उम्र में नहीं सीखना चाहिए वरना सीधा रास्ता जेल का है। सो दैट्स इट, आप बताओ आपका क्या टेक है इस बंदे के ऊपर में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।